इंजीनियरिंग जियोलॉजी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहां डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेदरिंग। वेदरिंग में आइए देखते हैं जो केमिकल फैक्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं। केमिकल फैक्टर की अगर बात करें तो केमिकल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी रॉक को केमिकली डिके करते हैं। इट मीन्स बाय द केमिकल प्रोसेस आइदर इट इज डिकम्पोज इन इट्स पैरेंट मटेरियल और दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब इसमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। केमिकल फैक्टर की अगर बात करें तो ये ब्रॉडली 9 तरीके से काम करता है। इसमें जो सबसे पहला है वाटर। वाटर इस प्लैनेट पे बहुत ही इजीली अवेलेबल फ्लूइड है, जैसा कि हम कई बार डिस्कस कर भी चुके हैं पहले, क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसीलिए वेदरिंग, जो केमिकल वेदरिंग की कोई भी प्रोसेस पानी के बिना तो नहीं हो सकती, इसलिए वाटर है। वाटर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेदरिंग एजेंट है। इसके बाद में जो दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है हाइड्रेशन का। जैसा कि हमें पता है कि हाइड्रेशन जो प्रोसेस होती है उसमें जो इसका हाइड्रोक्सिल आयन जो होता है पानी का, वो रॉक्स के साथ में रिएक्ट करके उसके इंटरनल जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें बॉन्डिंग बना लेता है, और जब ये बॉन्डिंग बन जाती है तो वो एक टोटली डिफरेंट मटेरियल बन जाता है। जैसे एस्बेस्टॉस को ले लेते हैं या जिप्सम को ले लेते हैं। जिप्सम में जो डॉट हाफ H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेसिकली एक हाइड्रेशन प्रोसेस से ही बनता है। इसमें जो अगला है वो है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी रॉक, यहाँ पे कोई भी रॉक से मतलब पर्टिकुलरली लाइमस्टोन और डोलोमाइट से है, जब लाइमस्टोन पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करती है तो ये कार्बोनेट के फॉर्म में डिपॉजिट्स होती है, और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको हम मार्बल के फॉर्म में भी जानते हैं। डिसोल्यूशन प्रोसेस को समझने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। जब लाइमस्टोन CaCO3 को जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की प्रेजेंस में एक साथ रखा जाता है तब इसमें जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट आयन हैं वो बनते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और जब इसकी प्रोसेस कंप्लीट होगी तो इसमें बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज Ca ब्रैकेट में HCO3 और इसका होल ट्वाइस। तो ये बेसिकली कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं जो पानी में, जिसको हम एक जो परमानेंट इम्प्योरिटीज होती हैं उसके फॉर्म में हम देखते हैं। जो केमिकल फैक्टर है उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम लीचिंग के नाम से भी जानते हैं। लीचिंग यहाँ पर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी कंट्री रॉक अगर उसमें कोई सॉल्युबल मटेरियल है तो वो पानी के द्वारा उस सॉल्युबल मटेरियल को वहां से सॉल्यूशन के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया जाएगा। किसी कंट्री रॉक से जो सॉल्युबल मटेरियल है उसको निकाल लेना। अगर आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो लीचिंग एक वो प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा पानी किसी भी रॉक्स में से सॉल्युबल मटेरियल को वहां से रिमूव कर दे, इसे हम लीचिंग कहेंगे, जो कि केमिकल फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लीचिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है लेटराइट। लेटराइट जो होता है वो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा ही बनती है। केमिकल एक्शन में जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो वाटर है, वाटर H2O के फॉर्म में इन्वॉल्व ना होके उसमें से सिर्फ H आयन अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो इस तरीके से जो प्रोसेस, जो केमिकली एक्टिव जो प्रोसेस होगी उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस। इसको इस एग्जांपल के थ्रू भी देखा जा सकता है। केमिकल प्रोसेस में जो हमारा अगला फैक्टर है वो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन जैसा कि सबसे डिस्कस कर चुके हैं कि जब पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आता है तो वह एक बहुत ही वीक एसिड बना लेता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, और ये जो कार्बोनिक एसिड है डिसोल्यूशन में काम आता है।
और लाइमस्टोन के डिसोल्यूशन होने के बाद जो क्ले है वो बनती है। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन किसी भी फेरोजीनियस मटेरियल या कोई भी ऐसी रॉक जो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाती है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन एटम का बाहर निकलना। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये भी केमिकल फैक्टर में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। केमिकल फैक्टर में अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एक मेजर गैस है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी काम आती है। अब नेचुरली जो नाइट्रिक एसिड है वो कैसे बनता है? नेचुरली ये बैक्टीरिया और लाइटनिंग इफेक्ट के थ्रू जो नाइट्रिक एसिड है वो बनता है, और हमें पता है कि जो नाइट्रिक एसिड है वो एक स्ट्रॉन्ग डिसॉल्विंग सॉल्यूशन है, इसीलिए ये वेदरिंग में एक बहुत ही कारगर साबित होता है। और अंत में केमिकल फैक्टर में एक और छोटा सा एक हिस्सा है, वोलेटाइल मटेरियल फ्रॉम वॉल्केनोज। हमें पता है कि जैसे ही कोई वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से कई सारे पायरोप्लास्टिक मटेरियल, वॉलेटाइल मटेरियल और लावा, और ये सारी चीजें बाहर आती हैं। और जो जो वॉलेटाइल मटेरियल है जो कि बेसिकली गैसेस के फॉर्म में रिलीज होते हैं, गैसेस के फॉर्म में जब ये रिलीज होते हैं तो एनवायरमेंट में जो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट करने वाली जो मॉइस्चर या फिर गैसेस हैं उनसे मिलकर ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और वेदरिंग को प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। तो केमिकल एजेंट में ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो ये तो सारे थे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स। अब अगर बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो वो भी इम्पॉर्टेंट है वेदरिंग के लिए। तो आइए देखें वो क्या क्या है। बायोलॉजिकल फैक्टर में अगर एनिमल्स को लें तो एनिमल्स के जो बॉडीज हैं, एनिमल कई बार आपने देखा होगा कि एनिमल मरने के बाद में जमीन में दफन हो जाते हैं, किस तरीके से? तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसी फेवरेबल अगर कंडीशन होती है तो उनकी जो बॉडी है उसके सॉफ्ट पार्ट तो डिकम्पोज हो जाते हैं, और उनके डिकम्पोजिशन से कई सारे टॉक्सिक सॉल्यूशन निकलते हैं, और वही सारे जो टॉक्सिक सॉल्यूशन है वो वेदरिंग को इंक्रीज करते हैं, पर्टिकुलरली रिडक्शन की बात करें। बायोलॉजिकल फैक्टर में जो नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है बैक्टीरियल फैक्टर। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया भी वेदरिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज करने में या उसको केमिकली डीके करने में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और कई बार ह्यूमिक और कई तरीके के जो सॉल्यूशन हैं वो बनाते हैं, और उन सॉल्यूशन के थ्रू जो बायोलॉजिकल वेदरिंग है वो बढ़ती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी जो रॉकी एरिया है जहां पर यूजुअली रॉक्स बहुत ज्यादा मिलती हैं, उस रॉकी एरिया में किसी पेड़ का लगना। अगर वहां पर पेड़ है तो क्या होगा कि जो उसकी रूट्स हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। अब इतने हार्ड स्ट्रेटा में जो रूट्स हैं वो कैसे ग्रो करती हैं? तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग के थ्रू ही ग्रो करती हैं, उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। और बायोलॉजिकल इफेक्ट में आखिरी में बात करें ह्यूमंस की, अब क्योंकि ह्यूमंस अपनी जरूरतों के हिसाब से हर चीज को तोड़ मोड़ सकते हैं, इसीलिए जो डैम बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल निकालने में, क्वेरिंग में, माइनिंग में, इस तरीके से कई सारी जगह पर ब्लास्टिंग और कंस्ट्रक्शन में, इन सब चीजों जो नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उनका यूज करने में भी ह्यूमन जो है वो बहुत आगे है। अब क्योंकि क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसमें इंक्लूडेड है, उसका इन्वॉल्वमेंट है नेचर में, इसीलिए जो ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है उसके परिणाम स्वरूप भी वेदरिंग जो है बढ़ती है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इफेक्ट के बाद में कुछ म्यूचुअल इफेक्ट भी होते हैं, जिसमें फिजिकल और केमिकल फैक्टर दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हमें आपका फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.